हरिओम, नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, उसी क्रम में आज फिर से हम लोग प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत हम लोग प्रश्नोत्तरी से करते हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये जब सीवीटी नहीं होता था, जब बीएचयू अपनी परीक्षा कराता था ना, उस समय जो प्रश्न आते थे, उसमें से कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो गत वर्ष, मतलब पिछले गत वर्षों में जब बीएचयू की अपनी स्वतः परीक्षा जब कराता था, तो उसमें एमएस संस्कृत का जो पैटर्न था या जिस प्रकार से प्रश्न आते थे, ऐसे दो चार प्रश्न मैं लेके आया हूँ, उसको आप लोग देखिए। हालांकि ये प्रश्न है तो हिंदी में है, ठीक है। पहले जो बीएचयू लेता था तो वो पहले हिंदी में लेता था, कालांतर में फिर धीरे धीरे उसके बाद संस्कृत में किया, उसके बाद अभी तो संस्कृत में ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी है उसको भाषा उसको संस्कृत कर दिया है, बाकी तो सब यही रहता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग पढ़ते रहें और तैयारी अपनी करते रहें मजबूती के साथ। और परीक्षा की तिथि भी आ गई है कि कितने से कितने के मध्य में होना है पीजी की परीक्षाएं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी रणनीति बना लीजिए कि कैसे करना है, कितने दिन बचे हुए हैं, क्या क्या है, एकदम तैयारी पे एकदम फोकस करते रहे, ताकि आपको आपका मनचाहा विश्वविद्यालय मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि दुग्ध द्रोहा निरिंद्रियाः इज अ सेंटेंस पीस ऑफ, ठीक है। माने कह रहा है कि ये जो प्रश्न आपको दिया गया है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ से आया है, माने ये कहते हैं दुग्ध द्रोहा निरिंद्रियाः, ये किस उपनिषद से ये वाक्य आया है। तो ईशावास्य उपनिषद से है, अथवा छांदोग्य उपनिषद से है, अथवा कठोपनिषद से है, अथवा केनो उपनिषद से है, ठीक है। इसमें से किन उपनिषद से ये वाक्य आया है, ठीक है, दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। तो आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना, कि ये प्रश्न कहां से, किस उपनिषद से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका कठोपनिषद होगा, ठीक है। क्या होगा, कठोपनिषद इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से है। किससे है, तो कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। यह है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। तो उसमें जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद, उस यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। दो शाखाओं में से क्या क्या है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है, और दूसरी जो शाखा है वो है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो अब ये जो प्रश्न आया है, ये जो सूक्ति पूछी गई है, पूछा है कि कहां से ये सूक्ति आई है, तो चार वेदों में एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद दो भागों में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद की एक कठ शाखा है, उस कठ शाखा से ये जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। और ये जो पूछा गया है, ये कृष्ण यजुर्वेद से ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो कहते क्या है कि दुग्ध द्रोहा निरिंद्रिया, हम सभी लोग जानते हैं जो कठोपनिषद है उसके बारे में सभी लोग हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है कि नचिकेता है, उनके पिताजी का नाम महर्षि उद्दालक है, वाजश्रवस भी कहीं कहीं उसका नाम आता है, वाजश्रवस नाम आता है, ठीक है, और उद्दालक। तो महर्षि उद्दालक ने एक यज्ञ किया, ठीक है, सर्वमेध नाम का यज्ञ किया है। तो उस यज्ञ में होता क्या है कि अपनी सारी संपत्ति जो कुछ होता है वो सब दान कर दिया जाता है ऋतुओं को, ठीक है, जो आचार्य होते हैं उनको दान कर दिया जाता है। तो आपकी जितनी संपत्ति है सब कुछ आपको दान कर दिया जाता है। तो आचार्य उद्दालक, महर्षि उद्दालक उन आचार्यों को सबको दान कर रहे थे। तो महर्षि उद्दालक का एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था नचिकेता, ठीक है ना, नचिकेता भिन्न था, नचिकेता क्या था, नचिकेता नाम था उस बालक का। तो उस बालक ने, छोटी सी आयु थी उस बालक की, और पिताजी सबको दान कर रहे थे। तो दान करने में एक स्थिति ऐसी आती है कि एक जो गाय होती है, गाय, उन गायों को भी ऋतिकों को, आचार्यों को दान करते हैं। तो वो गाय कैसी है, गाय की स्थिति क्या है, एकदम गाय एकदम बूढ़ी हो चुकी है, दूध अब उनसे नहीं निकल रहा है, जो चारा इत्यादि भी वो नहीं खा पा रहे हैं, जिनमें संतत उत्पन्न करने की क्षमता भी शिथिल हो गई है, इस प्रकार की जो अवस्था है उन गायों की, उस ऐसे गायों को वो ऋतिकों को दान कर रहे हैं। कौन, तो महर्षि उद्दालक, ठीक है ना। तो वही है कि दुग्ध द्रोहा निरिंद्रियाः आनंदा नाम तेलोका तान गच्छति तादर,
ठीक है, एक श्लोक आया है उसमें मंत्र आता है। तो नचिकेता जब इस प्रकार से देखता है तो कुछ प्रश्न पूछता है पिताजी को, और ये कथा आप सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हैं कठोपनिषद क्या कथा है, ठीक है ना, ये सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये सूक्ति जो है, सूक्ति वही कह रही है कि दुग्ध द्रोहा निंद्रिया, माने जिसका दूध दुह लिया गया है और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, इस प्रकार की गायों को आप किसे दे रहे हैं, ठीक है, माने जो दान किया जा रहा है, इस प्रकार की गायों को आप दान कर रहे हैं। महाराज नचिकेता कह रहा है पिताजी से अपने की दान कर रहे हैं, तो आप तो उस लोक को प्राप्त करेंगे जहां पर अपेश ही है, इस प्रकार का, ठीक है। तो कहने का भाव है कि ये जो सूक्ति पूछी गई है, सूक्ति का सही आंसर क्या होगा, तो कठोपनिषद का सही आंसर होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2, तत्वम पूषण पावनु, ठीक है। ये इस फाउंड मेंशन, माने ये सूक्ति कहां से आई है, आपको बताना है कि ये जो सूक्ति पूछी गई है, सूक्ति कहां से पूछी गई, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा तैतृय उपनिषद कि छांदोग्य ब्राह्मण, कि छांदोग्य उपनिषद की ईशावास्य उपनिषद, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये जो सूक्ति पूछी गई है, ये सूक्ति कहां से आई है, तो ये ईशावास्य उपनिषद से ये सूक्ति पूछी गई है, ठीक है ना। इसका सही आंसर ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधा कस्य धनम, ठीक है। हाँ, एक बात ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, छांदोग्य किससे है, ठीक है, छांदोग्य छांदोग्य और तैतरीय ये सब किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। देखिए छांदोग्य ब्राह्मण लिखा है, छांदोग्य उपनिषद लिखा है, इसलिए भटकिएगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है कि ईशावास्य उपनिषद, ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से इसका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 हमने देखा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर ईशावास्य उपनिषद है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कठोपनिषद, ठीक, कठोपनिषद इज अ उपनिषद ऑफ, माने पूछ रहा है कि कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, माने कठोपनिषद नामक जो उपनिषद है वो किस वेद, सीताराम किस वेद से संबंधित है। तो अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, कि सामवेद से। अभी मैंने इसके 2 प्रश्न पहले या 1 नंबर प्रश्न पे हमने आप चर्चा किया कि जो यजुर्वेद है, ठीक है ना, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद 2 भागों में है, एक तो भैया शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना, क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। तो अब यजुर्वेद से है ना, और पूछ रहा है कठोपनिषद, तो कठोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, किससे, कृष्ण यजुर्वेद से, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या होगा, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, सही आंसर इसका कृष्ण यजुर्वेद होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है याग्वल्क शिक्षा इज रिलेट, माने याग्वल्क शिक्षा किस वेद से संबंधित है, ठीक है ना। तो आपको बतानी है, इसमें कई सारी शिक्षाएं भी आती हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि याग्वल्क शिक्षा किस वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, कि शुक्ल यजुर्वेद से। ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है, आप लोग जब ऐप में क्लास देखते होंगे, वीडियो को देखते होंगे, तो उसमें बहुत मैंने जो शिक्षा जो है ना, कौन शिक्षा किस वेद से संबंधित है, उसमें विस्तार पूर्वक चर्चाएं की हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो याग्वल्क की जो शिक्षा है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, किससे, शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है ना। याग्वल्क शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। आता है गौतम शिक्षा, नारद शिक्षा, इस प्रकार की भी कई सारी शिक्षाएं, लोमस शिक्षा है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे आगे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न है, वो 5 नंबर का प्रश्न क्या है, पूछ रहे हैं कि वर्षा का अधिष्ठात्र देव है, माने वर्षा का अधिष्ठात्र देव कौन है, प्रजापति, पर्जन्य, नदी की इंद्र, इसमें से आपको पूछ रहा है। सामान्यतः ये जो बीएचयू ने इसका जो आंसर दिया था, वो आंसर क्या नाम है, पर्जन्य दिया था, ठीक है ना, और यही आंसर है भी सही है। लेकिन जब पूछे कि वर्षा का देवता कौन है, ठीक है ना, सामान्य जब पूछेगा कि भैया वर्षा का देवता कौन है, ठीक है ना, क्या पूछे कि वर्षा का देवता कौन है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, तब
इंद्र लगाएंगे, ठीक है ना, तब आप लोग इंद्र लगाएंगे, यह आंसर सही होगा। जब पूछेगा कि वर्षा का देवता कौन है, तब आप बताएंगे कि इंद्र देवता है। लेकिन प्रश्न देखिए कह रहा है कि वर्षा का अधिष्ठात्र देवता कौन है, तो भैया वो पर्जन्य है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए ये इसका सही आंसर होगा पांच नंबर प्रश्न का। हम लोग छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या है, ये छह नंबर प्रश्न है। छह नंबर प्रश्न क्या है कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता में अध्यायों की संख्या है, शुक्ल यजुर्वेद संहिताया कियति अध्यायाः वर्तन्ते, कियति अध्यायाः सन्ति, माने 30 है, 40 है, 20 है, 10 है। शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है, उस संहिता में अध्यायों की संख्या कितनी है, आपको बताना है शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है 40। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, माने शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 40 अध्याय है। और जो इसका 40वां अध्याय है वही है शायद ईशावास्योपनिषद, ठीक है ना, 40 शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद है। तो हमने 6 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, 7 नंबर प्रश्न। आप सभी लोग प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न इसी प्रकार से, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न आया है यही प्रश्न फिर से रिपीट हो जाएगा, नहीं, रिपीट नहीं होगा, बस इसकी भाषा संस्कृत में होगी। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। प्रश्न को लाने का भाव क्या है, तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य ये होता है कि आप लोग प्रश्न को जाने, प्रश्न को समझे। एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, माने सांख्याय नारायणिक पूछ लिया, ऋग्वेद का पूछ लिया, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, किसी वेद का आरण्यक पूछ सकता है, किसी वेद का उपनिषद पूछ सकता है, ब्राह्मण पूछ सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या है कि सांख्यायन आरण्यक किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो यजुर्वेद की, ऋग्वेद, सामवेद की, अथर्ववेद, किस वेद से ये सांख्यायन आरण्यक संबंधित है। तो साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, हम लोगों ने ऋग्वेद की कुछ शाखाओं के बारे में हम लोगों ने जाना होगा, ठीक है ना, ऋग्वेद की कुछ शाखाएं थी सांख, ठीक है ना, साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, इस प्रकार की जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं उसमें एक सांख्यायन शाखा भी आती है, और ऋग्वेद का जो आरण्यक है वो सांख्यायन आरण्यक है, ठीक है ना। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद, ठीक है ना, 7 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर ऋग्वेद होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 8 नंबर प्रश्न, वो क्या है कि वेद की नासिका स्थानीय है, माने वेद, वेद की कहते हैं कि जब पाणिनीय शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जो वेद है उस वेद को एक वेद पुरुष के रूप में माना गया है, ठीक है ना। तो उसमें निरुक्त क्या है, शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, कल्प क्या है, छंद क्या है, इस प्रकार के बहुत बढ़िया से बताए हैं। जो पिछली वीडियो हमारे YouTube पे आप लोगों ने देखी होगी उसमें भी मैंने आपको कहीं ना कहीं कोई प्रश्न आया होगा तो मैंने उसमें भी आप लोग को बताया होगा, ठीक है, कि छंद का जो छंद है वेद पुरुष का पैर माना जाता है, छंदः पादौत वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, ठीक है ना, माने इसको हाथ माना गया है, किसको, कल्प को हाथ माना गया है, ठीक है ना, हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम मयनम चक्षु, माने ज्योतिष को चक्षु माना गया है, नेत्र माना गया है, क्या माना गया है, तो ज्योतिष को नेत्र माना गया है, क्या माना गया है, नेत्र। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषाम मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते, जो निरुक्त है वो श्रोत्र है, क्या है, श्रोत्र, ठीक है ना, स्रोत माना गया है, माने कर्ण माना गया है, कान माना गया है, ठीक है ना, ये कान माना गया है, ठीक है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जो शिक्षा है वो घ्राण माना गया है, ठीक है, क्या माना गया है, घ्राण माना गया है, माने नासिका, ठीक है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख को क्या माना गया है, व्याकरण माना गया है, ठीक है ना, माने यदि हम संस्कृत में व्याकरण नहीं जानते हैं तो यदि किसी का मुख ही नहीं होगा तो क्या मतलब है उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का, ठीक है, उसे कुछ पता ही नहीं। सामान्यतः कोई मनुष्य को हम आप देखते हैं तो यदि उसका मुंह बढ़िया से नहीं है या किसी भी अंग में यदि विकार है तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार से जो वेद को माना गया कि भैया ये वेद है और उस वेद में जो छंद है वो वेद के पैर है, ठीक है, उन्हीं पैरों से वेद का गमन होगा, यदि किसी के पैर नहीं होंगे तो जाएंगे कैसे,
तो इसीलिए छंद को वेद का पैर माना गया। छंदः पादो उद्वेदस्य हस्तौ कल्पो उत्पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोतम उच्यते, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि वेद की नासिका स्थान, माने वेद पुरुष का जो नासिका है वो उसका स्थान क्या है, वो पूछ रहा है। तो हमने लिखा कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा, ठीक है ना, इसका सही आंसर शिक्षा होगा। अच्छा, एक प्रश्न तो ये रहा कि वेद की नासिका स्थान क्या, शिक्षा हो गया। मान लीजिए प्रश्न आपसे पेपर पूछ लेता है कि वेद पुरुष का पैर किसे कहा गया है, माने पूछ ले कि वेद पुरुष का पैर किसे कहा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है, ठीक है। ये जो श्लोक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे किसी ना किसी पुस्तक में, बहुत सारी पुस्तकों में है, नहीं है तो भी मैंने पिछले जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है उस वीडियो में हमने पढ़ाया है, उसको आप जाकर के देखिए। कोर्स आप खरीदना चाहें बीएचयू पाठशाला पे कोर्स उपलब्ध है एमए संस्कृत का, उसको भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षा, ठीक है। और निरुक्त को क्या कहा, तो स्रोत्र कहा गया, माने कर्ण कहा गया, शिक्षा घ्राण कहा गया, व्याकरण को मुख कहा गया, कल्प को हाथ कहा गया, छंद को पैर कहा गया और ज्योतिष को नेत्र कहा गया, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नवें प्रश्न पे चलते हैं, इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। दसवां नंबर जो प्रश्न है, क्षम्यताम, नौवां नंबर जो प्रश्न है, कहते हैं कि वेदो वेदो अखिलो धर्म मूलम, ठीक है, इज फाउंड मेंशन इन फलाना फलाना, आप लोग अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा जिसको अंग्रेजी ज्यादा आती होगी, क्योंकि हमारी तो अंग्रेजी में हम हार्ड टाइट है। लिखा है कि उपर्युक्त वेदो अखिलो श्लोक है, माने यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से आया है, आपको बताना है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पारासर स्मृति कि गौतम धर्म सूत्र, ठीक है, आपको बताना है ये जो लाइन है, जो सूक्ति दी गई है, ये सूक्ति कहाँ से है, ठीक है ना, कि वेदो अखिलो धर्मूलम, ये सूक्ति आपको बतानी पड़ेगी, बड़ी ही प्रसिद्ध सूक्ति है, इसको कई बार परीक्षा में न चाहते हुए भी लोग पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मनुस्मृति। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, तो भैया 12 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय। कभी कोई ये भी पूछ लेता है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय, ठीक है ना। लेकिन खैर आपको टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस उसमें मनुस्मृति बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दसवें नंबर प्रश्न पे। दस नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि सृष्टि के लिए विराट पुरुष ने उत्पन्न किया है वह है, सृष्टि के लिए विराट पुरुष ने क्या उत्पन्न किया है, ठीक है ना, सृष्टि के लिए विराट पुरुष ने क्या उत्पन्न किया है। तो इंद्र को उत्पन्न किया है, मनु को, वरुण को, जल को। आप सभी लोग जानते हैं कि जब विधाता ने सृष्टि का सृजन करना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने मनु को उत्पन्न किया, किसको, मनु को, ठीक है ना, मनु को, और सतरूपा को, किसको, सतरूपा को, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों से ही सृष्टि की शुरुआत होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, मनु, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दस नंबर जो प्रश्न है, दस नंबर प्रश्न का सही आंसर मनु होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं अपने ग्यारहवें प्रश्न पे। ग्यारह नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि फल की इच्छा प्रशस्त नहीं होती है, यह धारणा है, यह धारणा किसकी है, तो व्यास की है, मनु की है, यास की है कि प्रजापति की है, माने फल की इच्छा प्रशस्त नहीं होती है। इसका भी सही आंसर क्या होगा, मनु होगा, ठीक है ना, मनु। बारह नंबर जो प्रश्न है उसमें चलते हैं कि गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है, आपको बताना है, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अथर्वा हैं कि प्रजापति हैं, ठीक है ना। आप सभी जब वेद का हमने आपको पढ़ाया होगा वेद का, तो उसमें हमने एक से लेकर के दस मंडल तक के जो ऋषि हैं उनको हमने बताया था। प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, मधुच्छंदा है, दूसरे के कौन है, ग्रीष्मद है, तीसरे के कौन है, विश्वामित्र है, चौथे के कौन है, ठीक है, वामदेव है कि अत्रि है, ऐसे ऐसे करके हमने बताया है आपको, चार पांच छह सात आठ, ठीक है ना। तो उसमें जो तीसरा मंडल आता है वो तीसरा मंडल है विश्वामित्र, ठीक है, जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल किसका, तीसरा मंडल, ठीक है ना, वेद का, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसके ऋषि कौन है, तो उसके ऋषि है भैया विश्वामित्र, ठीक है, कौन है, विश्वामित्र है, और विश्वामित्र ही गायत्री छंद के वो है, ठीक है, तीसरे मंडल, तीसरा मंडल, तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र, और विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, कौन है, विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, ठीक है ना। तो
तीसरा मंडल जो है तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र हैं, और इस जो 12 नंबर प्रश्न है इस 12 नंबर प्रश्न के आंसर के रूप में भी विश्वामित्र ही हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र को ही आप लोग लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आप वशिष्ठ किस मंडल के हैं थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, किस मंडल में सूक्तों की संख्या समान है ये भी हमने बताया है। ऐसे ऐसे प्रश्न सामान्यतः प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको बहुत आसान लगेगा कि हो सकता है ये ना पूछे एग्जाम में, हो सकता है वही पूछ लिया जाए। तो इसलिए शुरू से जीरो से लेकर के शून्य से शुरू करके एकदम ऊपर तक की आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न क्या है कि वेद में एक विशेष लकार होता है, वह लकार कौन सा है। वेद में जो हम लोगों ने लकार 10 लकार सामान्यतः पढ़े हैं उसमें एक लकार है जो वेद में अत्यधिक रूप से प्रयोग होता है, तो वह है लट लकार की, लुंग लकार की, लेट लकार की, लुंग लकार। ठीक है, इधर लुक लकार लिखा, तो कौन सा लकार है। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार प्रश्नों में ये पूछा गया है कि वेद में कौन सा लकार प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तो लेट लकार वेद में प्रयोग होता है। ठीक है, लेट लकार। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक छंद है। ठीक है, इनमें से कौन सा वैदिक छंद है, तो वैदिक छंदों के बारे में भी हमने आपको बताया था कि वैदिक छंद कितने हैं, तो कई सारे छंद, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो छंद है उसको मैं बताऊंगा। मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें बताया है, कोर्स में भी इसका बताया गया है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक छंद नहीं है, उपजाति, वंशस्थ, मंदाक्रांता कि गायत्री। ठीक, कौन सा वैदिक छंद है, क्षम्यताम, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक छंद है, इनमें से कौन सा वैदिक छंद है। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं कि इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा को मिला करके उपजाति बना है। ठीक है, तो उपजाति होगा नहीं। ठीक है ना, तो उपजाति होगा नहीं, ये लौकिक में प्रयोग होता है वैदिक में नहीं। वंशस्थ छंद भी लौकिक में प्रयोग होता है वैदिक में नहीं प्रयोग होता है। मंदाक्रांता भी लौकिक में प्रयोग होता है वैदिक में नहीं। ठीक है, मंदाक्रांता आप जब मेघदूत पढ़ेंगे, कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु। माने पूरा जो मेघदूत है वो इसी मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। ठीक है, तो अब जब तीन कट गए तो भैया बचा क्या, 4 नंबर माने गायत्री छंद जो है, वो गायत्री छंद आपका किसमें है, तो वेद में प्रयोग होता है। ठीक है, वेद में जो अन्य प्रयोग होते हैं वो क्या है, तो वो है गायत्री छंद। ठीक है, उष्णिक एक छंद और आता है उष्णिक। ठीक है ना, फिर चौथा है, तीसरा है अनुष्टुप। ठीक, ये सब वेदों में छंद प्रयोग होते हैं। एक है बृहती, क्या है बृहती। ठीक है ना, एक छंद हो गया, ये सब महत्वपूर्ण छंद है वेद में जो अत्यधिक प्रयोग होते हैं, और ये प्रश्न में भी आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, एक है पंक्ति, क्या है पंक्ति। ठीक है ना, फिर उसके बाद है त्रिष्टुप, पंक्ति, त्रिष्टुप, एक है जगती। ठीक है ना, ये सब जो छंद है ये वेद में महत्वपूर्ण छंद के रूप में पाए जाते हैं। 4 हो गया, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7 है, तो कई सारे छंद है। ठीक है ना, लेकिन ये छंद महत्वपूर्ण है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। कभी कभी पूछता है कि भैया इसको क्रम से भी लगाइए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, जिस भी प्रकार से आपको आसानी हो याद करने में, माने क्रम से भी याद रखिएगा इसको। ठीक, ये क्रम से ही लिखा है और क्रम से ही आप इसको याद कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि भैया इन छंदों को आप क्रम से लगाइए। ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि दे देगा कि बृहती दे देगा, जगती दे देगा और गायत्री और त्रिष्टुप दे देगा, तो कहेगा कि इनको क्रम से लगाइए, तो जब आपको क्रम से याद होगा तभी आप क्रम से लगा पाएंगे। गायत्री में कितने वर्ण होते हैं, 24 होती है ना, 24। ठीक है ना, 24। अब इस 24 में 4 जोड़ते जाइए, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28। ठीक है, कितना होगा, 28। 28 में 4 फिर जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 32। ठीक है ना, 32। 32 में 4 फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 माने 36। ठीक है ना,
छत्तीस में चार फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, 36 चार 40, 40 में चार और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना। और 44 में चार और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 48, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए, मान लीजिए पूछ लेगा कि अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं भैया, तो 32 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। आया कैसे, तो गायत्री हम लोग जानते हैं कि गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, और उसी गायत्री में चार चार जोड़ते जाइए, चार गायत्री में चार जोड़ेंगे तो उष्णिक बनेगा, उष्णिक में फिर चार जोड़ेंगे तो अनुष्टुप आएगा, अनुष्टुप में फिर चार जोड़ेंगे तब बृहति आएगा। इसी प्रकार से चार चार जोड़ते गए और कितने कितने वर्ण होते गए वो सब सामने है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, गायत्री पूछ ले कि गायत्री में कितने वर्ण है, बृहति में कितने वर्ण है, जगती में कितने वर्ण है, त्रिष्टुप में कितने वर्ण है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी छंद भी क्रम से हैं, छंदों को भी ध्यान से रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि छंद को क्रम से लगाइए, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हमने पुराने वीडियो में भी माने पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर में क्या है कि मौन रहना मूर्खों का भूषण है। देखिए लिखा है मूर्खी का भूषण है, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लीजिएगा, मूर्खों का भूषण है माने आभूषण। ये कौन कह रहा है, आपके सिलेबस में एक भरतहरी चाचा हैं, कौन है, भरतहरी जी हैं, ठीक है ना। तो ये सिलेबस में लगे हुए हैं, उसी तरह ये सिलेबस में लगे हुए हैं, इनके हैं शतक त्रय, ठीक है ना, ये शतक त्रय, शतक त्रय इनका ग्रंथ है। उस शतक त्रय में कौन कौन से हैं, तो एक है नीत शतक, ठीक है, क्या है, नीत शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक, ठीक है ना, दूसरा है श्रृंगार शतक, और तीसरा है वैराग्य शतक, क्या है, वैराग्य शतक, ठीक है ना, तीसरा है वैराग्य शतक। ये तीन शतक हैं भरतहरी के, तीन शतक हैं। 15 नंबर प्रश्न है जो पूछ रहा है कि मौन रहना मूर्खों का आभूषण है, यह कथन किसका है, तो यह कथन भरतहरी जी का है, ठीक है, एक नंबर इसका आंसर सही होगा। हम लोगों ने ये, अब भरतहरी जी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आप लोग नीत शतक लेके पढ़िए। जो व्यक्ति मूर्ख है एकदम, यदि वो किसी विद्वान के सभा में बैठा है तो जब तक वह व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं तब तक बड़ा ही सभ्य और बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा ही विद्वान लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो कुछ मुंह खोलेगा कि अड्ड बड्ड बोलेगा, बस सब जान जाएंगे चूतिया है, लुल्ल टाइप है। तो इसीलिए भरतहरी ने कहा कि मौन रहना मूर्खों का आभूषण, यदि मूर्ख व्यक्ति हो तो चुपचाप रहो, मौन रहो, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं 15 नंबर जो प्रश्न था, 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, एक नंबर आंसर हुआ, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, कहते हैं कि विवेक विवेक नष्टानाम भवति विनिपातः सतमुखः इज द सेइंग ऑफ, किसने कहा, माने ये पंक्ति कहां से आई है, तो ये पंक्ति भी आपकी भरतहरि जी ने ही कहा है, ठीक है। इसका भी सही आंसर क्या होगा, तो भरतहरि, विवेक नष्टानाम, जिसका विवेक नष्ट हो गया है वो भवति विनिपातः सतमुखः, ठीक है, वो अधः होकर के गिर पड़ता है, इस प्रकार से। 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर क्या है कि सा जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम, ठीक है, द सेंटेंस इज फाउंड मेंशन इन फलाना धमाका, माने कहने का भाव यह है कि यह सेंटेंस कहां से आया है, माने किस पुस्तक से आया है, किस व्यक्ति विशेष के द्वारा यह कहा गया है। तो सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम, माने सजातो माने जिसके जन्म से, येन जातेन जिसके जन्म से, जिसका वंश समुन्नत हो, उन्नति को प्राप्त करे, कीर्ति को प्राप्त करे, यश हो, ठीक है। ये कथन किससे आया है, कहाँ का है, मनुस्मृति का है, याज्ञवल्क्य का है, नीत शतक का है कि विदुर नीति का है, ठीक है, आपको बताना है। ये प्रश्न जो पूछ रहा है, ये प्रश्न है कि भैया
है ना कि एकेन सुगच्छेन पुष्पितेन सुगंधिना वसतेव वनम सर्वम सुपुत्रेणम कुलम यथा, माने वन में एक वृक्ष जिस प्रकार से संपूर्ण वन को महका देता है, एक सुगंधित वृक्ष यदि जंगल में है तो वह संपूर्ण जंगल को सुगंधित कर देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई एक सुपुत्र निकल गया कुल में तो सारे कुल को महका देता है। कहने का भाव है उस कुल की कीर्ति पताका और ऊंची हो जाएगी और लहरेगी और फहरेगी। तो वही है कि सजातो ये न जाते हैं यादिवन समुन्नतम, माने उसका जन्म लेना ही सफल है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की समुन्नति हो। उदाहरण के रूप में हम लोग किसी को देख सकते हैं, महाराज दशरथ के घर में चार पुत्र हुए, उसमें से राम, ठीक है ना, राम जी हुए। तो राम जी ऐसे योग्य व्यक्ति हुए, उनको एक आदर्श पुरुष के रूप में हम लोग ले सकते हैं, जिनके जन्म लेने से महाराज दशरथ की और रघुकुल के वंश की ख्याति हुई, ठीक है ना। और एक हुआ रावण, माने रावण हो गया तो उसके विशेष वंश की अवनति हो गई, माने उसकी कीर्ति पताका तो नहीं फैली, अवनति हो गई। तो आपको याद रखना है कि आपको राम जैसा पुत्र चाहिए कि रावण जैसा पुत्र चाहिए। राम, रावण से तात्पर्य ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी कीर्ति को उज्ज्वल करे, जो आपकी कीर्ति को बढ़ाए, आपके यश को बढ़ाए, या ऐसे पुत्र चाहिए जो आपकी कीर्ति को अवनति करे। सजा तो ये न जाते, ये सूक्ति कहाँ से आई है? तो ये सूक्ति आपकी नीत शतक से आई है। इसका सही आंसर क्या होगा? नीत शतक होगा, ठीक है ना, नीत शतक इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष इस फाउंड में, माने यह पाया जाता है, इसको यह पाया जाता है, यह लिख लो और चाहे वह कर लो, ठीक है ना, वह पाया जाता है, वह पाया जाता है, माने अंगुष्ठ मात्र पुरुष यह किस उपनिषद में है? तो ईशावास्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, केनोपनिषद में। आपको बताना है कि केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद किस उपनिषद से यह संबंधित है, ठीक है ना। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा, यह है कि ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये भी आप बताइएगा। केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये भी आप बताइएगा। प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है और कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये भी आप लोग बताइएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, माने कमेंट के बॉक्स में आप लोग जा करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए रहा, लेकिन 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कठोपनिषद, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर होगा। और प्रश्न आपके लिए है कि भैया केनोपनिषद किस वेद से, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद और ईशावास्य, ये चारों किस किस वेद से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर क्या हुआ? तो सही आंसर इसका कठोपनिषद हुआ। क्या हुआ? कठोपनिषद इसका सही आंसर हुआ। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, जो प्रश्न है वो निरुक्त से संबंधित है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? आचार्य यास है, पाणिनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, आचार्य दुर्गा है। आपको बताना है आचार्य क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है? इनके ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश, आप सभी लोग जानते हैं। पाणिनी ने अष्टाध्यायी लिखा है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। जाम्बोति विजय में एक इनका काव्य है, वो भी आप लोग जानते हैं। निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार आचार्य यास्क हैं। और निरुक्त पर एक आचार्य ने टीका लिखी है, वो आचार्य आचार्य दुर्गा, ठीक है। आचार्य दुर्गा ने आचार्य निरुक्त पर एक टीका लिखी है, ठीक है ना। लेकिन 19 नंबर जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जो आंसर है, वो आंसर है एक नंबर आचार्य यास्क, ठीक है ना। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वेद विकृत पाठ इंक्लूड्स, अंग्रेजी में लिखा है, माने वेद विकृत पाठ के अंतर्गत आता है। वेद विकृति के जो पाठ हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से क्या आता है? संहिता पाठ आता है, जटा पाठ आता है, पद पाठ आता है, क्रम पाठ आता है। जब मैंने आपको वेद की टॉपिक, वेद की यूनिट मैंने जब पढ़ा रहा था, या पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो वेद की विकृति है, इससे आप लोग ये ना समझे कि ये वेद का बिगड़ा स्वरूप है, नहीं। वेद को बचाने के लिए, वेद में जो विकृतियां आ रही हैं, विकृतियां ना आने पावे, उसके लिए अष्टौ विकृतियां प्रोक्ता, माने आठ विकृतियां हैं। क्या हैं? आठ विकृतियां हैं, ठीक है ना। इसके लिए आठ विकृतियां बताई गई हैं। किसमें? तो कहा कि जटा माला शिखा रेखा,
याद कर लीजिए, जटामाला शिखा रेखा, जटामाला शिखा रेखा, ध्वजा दंडो रथो घना, ध्वजा दंडो रथो घना, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभि, ऐसा आता है। माने ये रहा एक नंबर और ये रहा आपका दो नंबर, ये रहा तीन नंबर, ये रहा चार, ये रहा पांच, ये रहा छह और ये सात और आठ, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है, जो वेद विकृत पाठ है, वेद विकृत पाठ के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं? तो भैया जटा आता है, माला आता है, शिखा आता है, रेखा, ध्वजा, दंड, रथ और घन, ये आठ जो विकृतियां हैं वेद की, उन आठ विकृतियों के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं इसमें जटा है क्या कहीं, हाँ जटा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद माला है क्या कहीं, माला नहीं है, शिखा भी कहीं नहीं है, रेखा भी कहीं नहीं है, ध्वजा, दंड, रथ और घन ये सब नहीं है। माने तो इससे जो 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर है जटापाठ, ठीक है ना, कि वेद की जो विकृतियां हैं, वेद विकृत पाठ के अंतर्गत आता क्या है? तो वेद विकृत पाठ के अंतर्गत आता है आपका जटापाठ। और उनमें आठ कौन कौन से हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आठ कौन कौन से हैं। तो इनको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग श्लोक के बारे में, तो श्लोक यहां लिखेंगे नहीं, आप याद कर लीजिए। जटा माला शिखा रेखा ध्वजा दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षिभिः, मैंने ऐसा कहा गया है, ठीक। अच्छा, ये सब क्रम से हैं, ठीक है, क्रम पूर्व, मैंने ऐसे क्रम से हैं। एग्जाम में हो सकता है इसी का क्रम पूछ लेके लगा दो भैया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, आपने तैयारी जोरों शोरों से करनी है, क्योंकि आप अकेले नहीं है जो सीवीटी दे रहे हैं। सीवीटी देने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, संपूर्ण भारतवर्ष से सीवीटी के लिए कई सारे विद्यार्थी बैठेंगे, और उन विद्यार्थियों में जो मलाई वाले विद्यार्थी होंगे, जिनको क्रीमी कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब ऐसे व्यक्ति छट करके टॉप लेवल की जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में अपना दाखिला पाएंगे, अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे। देखना है कि उनमें से आप लोग एक सीट अपना ले पाते हैं अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है जो हमारा प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है कि औत्सह का निर्माण होता है निम्नलिखित रूपों में, ठीक है। उत्स घई, उत्स आई, उत्स कई, उत्स अण, इसमें से प्रकृति और प्रत्यय है, माने कौन सा शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लग करके औत् शब्द बना है, ठीक। इस औत् शब्द को बनाने में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक। इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। 21 नंबर लिखा है, ठीक है ना, ये अभी ठीक है। हाँ, तो आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 21 नंबर जो प्रश्न है, उस 21 नंबर प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दो नंबर प्रश्न का उत्स प्लस अंश का सही आंसर होगा, ठीक है ना। इससे आपका औत्स शब्द बनता है, क्या बनता है, औत्स, ठीक है ना, औत्स बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 22 नंबर प्रश्न है, जनता, जनता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, जनता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ता प्रत्यय है, चा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है कि टा प्रत्यय है, ठीक है। तो 22 नंबर जो प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि जनता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो जनता में आपका टा प्रत्यय है कि चाप है, सही आंसर क्या होगा, चाप होगा, चाप सही आंसर होगा, क्यों, ये प्रश्न चिन्ह लगा है कि जनता में कौन सा प्रत्यय होगा। भैया इसका सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं कि तल प्रत्यय होगा, ठीक है, जनता में तल प्रत्यय होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देवैश्वर्यम, ठीक है, देवैश्वर्यम,
द्वैस्वर्यम उदाहरण है इसका, क्या उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का है, पररूप संधि का है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण है? आप सभी को बताना है किसमें कौन सी संधि है, ठीक है? इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लेंगे, ऐसे सवाल दे देंगे, ऐसा कोई शब्द दे देगा पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी संधि है, अथवा आगे कोई शब्द दे देगा उसका कहेगा संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेंगे। तो देवधन ऐश्वर्यम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन ऐश्वर्यम माने देवैश्वर्यम, तो इसमें वृद्धि होती है, क्या होता है? वृद्धि होती है। सही आंसर क्या है? वृद्धि संधि है, ठीक है ना। 23 नंबर जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा? वृद्धि। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर जो प्रश्न है आया, आदिगुण सूत्र लागू होता है। आदिगुण सूत्र किसमें लागू होता है? शुद्धोपास में, गव्यम में, गंगौघ में, कि उपेन्द्र, किसमें आदि गुण सूत्र लागू होता है? माने गुण संधि का कौन सा उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो गव्यम की, गंगौघ की, शुद्धोपास की, उपेन्द्र, ठीक है? आपको बताना है आदि गुण गुण संधि का कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे और बहुत कठिन तो प्रश्न नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम चूंकि टाइट हो रहा है, प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, सीटें लगातार कम होती जा रही हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तो 24 नंबर जो प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? उपेंद्र। उपेंद्र किसको कहते हैं? तो भगवान विष्णु को कहते हैं उपेंद्र। 25 नंबर प्रश्न क्या है? धात्रांश। धात्रांश का उदाहरण क्या है? ठीक है, गुण संधि का है कि यण संधि है कि वृद्धि संधि है कि पूर्व रूप संधि है, इसमें आपको बताना है धातु धन अंश, ठीक है? तो इसमें यण संधि आपका होगा, क्यों? 25 नंबर जो सवाल है, 25 नंबर सवाल में कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वागीशा का संधि विच्छेद है, वागीशा, तो वाचि धन ईशा, वाचि धन ईशा, अथवा वाक धन ईश, अथवा वाच ईश, अथवा वच ईश, इसमें से जो वागीश है इसमें से ये जो शब्द है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसका क्या सही आंसर क्या होगा? वाक धन ईशा, ठीक है ना, इसका सही आंसर ये होगा। इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है ना। षट संतह शब्द में कौन सा आगम है? इसमें से ये प्रश्न जो आपके लिए आया है, धुट है कि तुक है कि तुद है कि टुक है, इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? षट संतह शब्द में आगम है तो धुट का आगम है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका 27 नंबर जो प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न का एक नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, यू धातु से थक प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा। यू धातु है, ठीक, क्या है ये? यू धातु है, इससे थक प्रत्यय जब करेंगे तो क्या बनेगा? युथम बनेगा, यूथम बनेगा, युद्धम बनेगा, अथवा उधनम बनेगा। आपको सही आंसर इसका बताना है कि यू धातु से थक प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनता है, ठीक है, माने कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या है? यूथम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यूथम भी लिखा है और यूथम भी लिखा है, तो इसलिए एग्जाम में जल्दबाजी ना कीजिएगा, शब्द को, प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा, आंसर वाले ऑप्शन को भी बढ़िया से पढ़िएगा, जल्दबाजी ना करते हुए सही आंसर पे ही टिक मारिएगा। 28 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग अपने 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि आश्रम शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, आश्रम शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है? रक है, रुक है, ठीक है, अरक है कि रुक है, रक है, अन है, इसमें से कौन सा प्रत्यय आपको बताना है आश्रम शब्द में प्रत्यय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? रक, ठीक है, क्या है आंसर? सही आंसर इसका रक है। 30 नंबर जो प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न पे भी हम लोग चलते हैं कि ब्राह्मण्यम में प्रत्यय क्या है? अनत है, क्यप है, शय है कि यत है, ठीक है। उसी तरह हम ब्राह्मण्यम में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, सीधाराम आप सभी लोग इस ध्यान से देखिए प्रश्न को, इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं।
तो ब्राह्मण्यम में प्रत्यय क्या है, शयी प्रत्यय है, ठीक है, यही प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कंटकम में कौन सा प्रत्यय है, यू है, अक है, णुअल है, क है, इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है कि कंटकम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, कंटकम में क्या प्रत्यय है, तो कंटकम में णुअल प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, णुअल प्रत्यय है, ठीक है ना, क्या प्रत्यय है, णुअल प्रत्यय। 31 नंबर, 32 नंबर जो सवाल है, 32 नंबर सवाल क्या है कि जिस छंद में चार य गण होते हैं वो क्या होता है, ठीक है ना, जो चार यगण होते हैं तो कहते हैं कि भुजंग प्रयात चतुर्भि यकारि, भुजंग प्रयात चतुर्भिर यकार, क्या है, भुजंग प्रयात चतुर्भिर यकार, माने चारों यगण यगण होते हैं, यगण होते हैं, क्या होते हैं, यगण माने चारों में यगण होते हैं, भुजंग प्रयात चतुर्भिर यकार माने चारों चरण में यगण यगण ही होते हैं, ऐसा कौन सा छंद है, तो भैया इस छंद का लक्षण है भुजंग प्रयात, ठीक है ना, भुजंग प्रयात, जिस छंद में यगण, जिस छंद में चार य, देखिए लिखा है चार यगण हो, वह क्या है, जिस छंद में चार यगण हो, तो भुजंग प्रयात में चार यगण है, कहा कहते हैं कि भुजंग प्रयातम चतुर्भि यकारि। शिखरणी का लक्षण आप सभी लोग जानते हैं, विद्युत माला, त्रोटक, ये सब उसमें नहीं लगा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण छंद लगे हुए हैं तो, लेकिन तो शिखरणी और भुजंग प्रयात मैंने पढ़ाया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, शिखरणी का लक्षण दे देगा या उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा कौन सा छंद है, किस छंद में कितने चरण है या कितने गण है, कौन कौन सा गण है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 32 नंबर जो प्रश्न था, 32 नंबर प्रश्न का जो सवाल है वो 4 नंबर सवाल है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारि, जिस छंद में चार चरण होता है वह चरण क्या है, भुजंग प्रयात है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो वंशस्थ छंद में वर्णों की संख्या होती है, वंशस्थ छंद आया है, इस छंद में कितने वर्ण होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, 11 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक, आपको बताना है कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11-11 वर्ण होते हैं, सही जान, सभी लोग जानते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा है, ठीक है, 12 नंबर होते हैं, 15 जो वर्ण होते हैं शायद मालती में होते हैं, एकदम क्लियर नहीं है कि 15 वर्ण किसमें होते हैं, लेकिन शायद मालती में ही होते हैं, मालती छंद, 17 वर्ण किसमें, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, 17-17 वर्ण, 2-3 संख्या कितनी होती, ये 12, ठीक है ना, 12 वर्ण होते हैं किसमें, तो वंशस्थ छंद में, हाँ वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं, यदि आप लोग को छंद समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, छंद एक बढ़िया से किस छंद में क्या क्या होता है, उसके लिए भी एक लेक्चर अलग से आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, कि किसमें कौन सा छंद है, ठीक है ना, किस छंद में क्या होता है, कितनी मात्राएं, कितने यगण फगण जो भी होते हैं वो सब आएंगे, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न, चलिए प्रश्न यहीं तक था, और 33 नंबर आज की जो प्रश्नोत्तरी थी हमारी वो 30 प्रश्न हम लोग लेके आए, नहीं 33 प्रश्न हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, तो अभी 33 के बाद हम लोग फिर अगले सेशन में, अगले उसमें मिलते हैं फिर से लेक्चर में, तब तक इन प्रश्नों को आप देखिए, समझिए, इसी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, भाषा केवल संस्कृत रहेगी, आपका जो सिलेबस